आज हम नेक बनाना सीखेंगे। हमने जो पाइपिंग बनाई है उस पाइपिंग का यूज करके भी हम नेक बनाएंगे और विदाउट पाइपिंग भी नेक बनाएंगे। और कुछ तो हम बेसिक नेक बनाएंगे, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद हमारा एडवांस लेवल पे नेक और स्लीव्स डिजाइन ही चलेगा। इस मंथ में आपको स्लीव्स में डिजाइन, न्यू न्यू डिजाइन कैसे बनाने हैं वो बताऊंगी। फिर हम नॉर्मली अपने स्लीव्स और कुर्ती में डिजाइन्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सिंपल नेक बनाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बुकरम पे नेक नहीं बनाना चाहिए। अगर आप नेक बना ही रहे हो तो जो आपकी कॉलर वाली पेस्टिंग आती है उसका नेक बनाइए, उससे ज्यादा बेटर उस पे बनता है। और दोनों में डिफरेंस होता है नेक बनाने में। अगर आप पेपर फ्यूजिंग पे नेक बना रहे हो तो अलग तरीके से बनेगा, और अगर पेस्टिंग पे नेक बना रहे हो तो अलग तरीके से बनेगा। आज की क्लास में हम पेस्टिंग पे नेक कैसे बनाते हैं और पेपर फ्यूजिंग पे नेक कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमें दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बुकरम पर नेक नहीं बनाना चाहिए, जिसका रीजन मैं पहले ही बता भी चुकी हूँ आपको पिछली क्लास में भी। तो आज हम नॉर्मली पहले पेपर फ्यूजिंग पर नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर पेपर फ्यूजिंग पेस्ट कर लिया है, और जो भी आपको नेक का शेप देना है वो शेप आप दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक बनाएंगे। पहले हमें पेस्टिंग को इक्वल कर लेना है। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और कॉटन के फैब्रिक पे मैंने पेपर फ्यूजिंग पेस्ट किया है। कभी कभी मार्केट में पेपर फ्यूजिंग अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, इसलिए इसी पेपर फ्यूजिंग को डबल पेस्ट कर लीजिए। एक बार और पेस्ट कर लेंगे तो आपका नेक थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पहले, इसके बाद नेक बनाएंगे। हम यहां पर रख रहे हैं नेक विड्थ 3.75। नेक लेंथ आपको जितनी भी लेनी है वो आप ले लेंगे। जैसे मुझे 7 पे चाहिए तो मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जो भी विड्थ आपने ऊपर लिया है वो सेम आपको यहां पे भी लेना है, और स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को मिला देना है। अगर आपको यू शेप बनाना है तो शेपर को इस डायरेक्शन में रखेंगे। इसके बाद आपको नेक का विड्थ लेना है। नेक विड्थ मतलब जो भी आपका अंदर वाला बॉर्डर रहेगा वो आपका साइज सेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे हम 1 1 इंच पे गाइडलाइन ले रहे हैं तो आपको 1 1 इंच पे मार्क करते जाना है। इसके बाद सभी गाइडलाइंस को ऐसे मिलाना है। इस तरह से आपका नेक रेडी हो गया। अब आपको पेस्टिंग को फोल्ड करने के लिए, पेपर फ्यूजिंग को फोल्ड करने के लिए मार्जिन भी लेना है। जो भी आप फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले रहे हैं वो भी बिल्कुल इक्वल लेंगे, और अब इस तरह से मार्क के ऊपर से ही कट कर देंगे। अब जिस भी पार्ट में आपको ये नेक बनाना है, आपको फैब्रिक लेना है और उस फैब्रिक के ऊपर इस नेक को बना देना है। नॉर्मली तो हमने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आपको नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल पे भी बना रहे हैं ना, इससे कम साइज बना रहे हैं तो भी बना सकते हैं, क्योंकि फाइल में लगाने के लिए तो आपको छोटा साइज चाहिए होगा।
अब देखिए आपको सेम मार्क दूसरी साइड में भी चाहिए। अब आप ऐसे तो लगा नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना है, मशीन में से धागा निकाल देना है। क्योंकि जब आप मशीन से धागा निकालेंगे तो आपको खाली मशीन इस निशान के ऊपर चलाना है ताकि आपका निशान दूसरी साइड में भी आ जाए। अब देखो ये सेम निशान हमें दूसरी साइड भी लगाना है, तो मैं निशान के ऊपर से ही इस तरह से मशीन को चलाते जा रही हूं। तो जो निडिल में खाली मशीन चलाना है, मशीन में धागा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गाइडलाइन के ऊपर से आपको स्टिचिंग लगाना है। सेम आपको इस हाफ इंच के डिस्टेंस पे भी ऐसे ही सिलाई चलाना है, जिससे कि आपको ये वाली गाइडलाइन भी मिल जाए। अब हमें सेम मैचिंग का धागा लगाना है। देखो यहां पे भी डॉट डॉट आ गए हैं ना, तो दोनों साइड में बिल्कुल इक्वल हमारी मार्किंग हुई है। जो मार्किंग इस साइड है वो सेम मार्किंग हमारी ये वाली साइड में भी है। अब आपको क्या करना है, ये जो हाफ इंच का हमने मार्जिन लिया है इसको फोल्ड करना है। मशीन में पहले धागा डाल लेते हैं। जितना आप नेक को फिनिशिंग से बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका कुर्ती आपका ब्लाउज लगने वाला है। तो ये आप सबकी पहली सीढ़ी है, जो आप ये सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप आगे वाली क्लास में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाफ इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना, बस इसको मुझे ऐसे फोल्ड करना है। गाइडलाइन के बिल्कुल बराबर बराबर से ही फोल्ड करना है। इसके बाद सेंटर पे एक छोटा सा कट लगाना है, इसके बाद नीचे वाली साइड भी एक छोटा सा कट लगाना है। इसके बाद जो आपका वेस्ट फैब्रिक है इस वेस्ट फैब्रिक मतलब वेस्ट मतलब हमने ये इसी पार्ट के ऊपर नेक बनाना है। अगर आपको किसी भी कुर्ती में नेक बनाना होगा तो सेम इसी तरह से बनाना है। जैसे ये सपोज करो हमारा कुर्ती का शोल्डर है, स्टैंड लगा दो यहाँ पे, वो स्टैंड ले लो। इसका सेंटर लेना है और सेंटर पे आपको ऐसे नाखून से लाइन बना देनी है ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाए। इस पूरे पार्ट का सेंटर लेना है, अब आपको नेक बिल्कुल इस तरह से रखना है, कट से कट मिलाना है और सेंटर पे इस तरह से स्टिचिंग लगा देना है ताकि आपका नेक इधर उधर ना खिसके। क्योंकि जब हम गला बनाते हैं अपनी कुर्ती में तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो गला है वो इधर उधर खिसकने की वजह से हमारा गला टेढ़ा हो जाता है। तो पहले आप कुर्ती के सेंटर पे इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमारी गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के ऊपर से आपको यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग लगाना है और बिल्कुल गाइडलाइन के ऊपर से ही लगाना है। अब आपको 0.25 इंच का मार्जिन रखना है और बाकी पूरी पेस्टिंग को कटिंग कर देना है। हम क्या करते हैं यहाँ पे जो मार्जिन रखते हैं ना वो बहुत ज्यादा मार्जिन रखते हैं
और फिर बीच बीच में हम छोटे छोटे कट लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी नेक की फिनिशिंग खराब हो जाती है। ऐसा कब करना है वो भी मैं बताऊंगी। अब आपको पेस्टिंग को बाहर की साइड टर्न करना है और इस बॉर्डर के बिल्कुल किनारे पे स्टिचिंग लगाना है। मतलब जो आपने ये चौड़ा जितना भी रखा है, ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया है उतना ही रखना है, 1 इंच रखा है तो 1 इंच भी रख सकते हो और 0.75 भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन 1 इंच से ज्यादा नहीं रखना, 0.75 इंच से कम नहीं रखना। अब किनारे पे स्टिचिंग लगाना है, यहां से यहां तक हमारा नेक बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहां से यहां तक हम सिलाई बिल्कुल सीधी लगाएंगे ऐसे। लेकिन इसके बाद हमारे गले ने राउंड शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। अब जो मेरा पीछे वाला हैंड है, एक हाथ मुझे पीछे रखना है, एक मुझे आगे रखना है, आगे वाले से बैलेंस करना है, पीछे वाले से मुझे अपने नेक को ऐसे राउंड शेप में घुमाना है जिस शेप में मेरा नेक है। अभी देखो मेरा पीछे वाला हैंड इस तरह से राउंड शेप में दूसरी तरफ जा रहा है, ऐसे पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, ऐसे घुमा रही हूं मैं अपने हाथ को। इससे क्या होगा, मेरा नेक फैलेगा नहीं। हमारे शोल्डर गिरने का रीजन यही है, हमारा गला फैल जाता है। हम चाहे कितने भी इंच का गला बना लें, 5 इंच भी नेक बना सकते हैं एक साइड से, हम तो दोनों साइड में लेते हैं, लेकिन हम एक साइड से भी 5 इंच बनाएंगे ना, यानी कि 10 इंच, तो शोल्डर गिरेगा नहीं। टेक्निक बस यही होनी चाहिए। अब हम नेक को ऐसे घुमाते रहेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे घुमाना है, बहुत जल्दी नहीं करना, आगे से बैलेंस करते हुए जाना है। पीछे वाले हैंड को राउंड शेप में घुमाना है। अब स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही जाएंगे, फिर पीछे से घुमाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे आपको नेक बनाना है। अब देखिए नेक को इस तरह से फोल्ड करना है अंदर वाली साइड और नेक को अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करना भी मैं बताऊंगी आपको, बस ध्यान रखना है कि नेक को ऐसे फोल्ड करने के बाद नेक की चौड़ाई एक बार चेक कर लेंगे कि नेक हमारा फैला तो नहीं है इस तरह से। अब देखो 8 कितने इंच पे कटिंग किया था, जितने इंच पे भी कटिंग किया था उससे कम पे ही रेडी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि नेक फैला नहीं है। और अगर नेक फैल जाता तो उससे ज्यादा हो जाता। जब हम 2.5 इंच का गला बनाते हैं ना, तो गला बनाने के बाद उसको नापा भी करो कि क्या हमने उतने इंच पे बनाया है, वो उतने इंच पे ही आ रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। आपका 2.5 इंच का नेक भी फैल जाता है और हमारा इतने इंच का नेक भी नहीं फैलता। रीजन, नेक बनाने की टेक्निक। तो अब मैं आपको दूसरे टाइप का नेक बताती हूँ जो हमें पेस्टिंग के ऊपर बनाना है। कभी कभी आपको पेपर फ्यूजिंग पे नहीं बनाना पड़ेगा तो आप नॉर्मली पेस्टिंग पे बना सकते हो, कॉलर वाली पेस्टिंग। तो अब मैं आपको पेस्टिंग पर नेक बताऊंगी। पेस्टिंग पर नेक बनाने का तरीका दूसरा होता है, पेपर फ्यूजिंग पर नेक बनाने का तरीका दूसरा होता है। इसीलिए मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूं ताकि आपको दोनों तरीके आने चाहिए। इसको अभी साइड कर देते हैं, जब दोनों नेक हमारे बन जाएंगे तब हम प्रेस करेंगे। इस ऐसे ही कपड़ा कटिंग करके दे दो। अब ये मैंने नॉर्मली पेस्टिंग लिया है, सपोज करो ये बुकरम ही है, बुकरम नहीं है वैसे, ये पेस्टिंग है जो कॉलर वाला पेस्टिंग होता है। अब हमें लेना है नेक विड्थ। उतना ही फोल्ड करेंगे, वेस्ट नहीं करना ज्यादा।
स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पहले, इस बार हम स्वीट हार्ट नेक बना के दिखाएंगे आपको। अब देखो यहां पे नेक विड्थ ले रहे हैं 3.75, फ्रंट वाला नेक कम से कम 3.5 से 3.75 तो होना ही चाहिए। अब स्वीट हार्ट नेक बना रहे हैं तो 7.5 इंच तो रखना ही है, ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 7.5 ले रही हूँ और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। स्ट्रेट लाइन बना देंगे, यहां पर हमने लिया है 3.75, यहां पे भी 3.75 लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाना है, फ्रेंच कर्व स्केल से शेप बना देते हैं। अब देखो यहां पे ना टू टाइप्स का शेप हम बना सकते हैं, एक हम ऐसे भी बना सकते हैं और एक शेप हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इधर से बनाएंगे तो शेप इधर से ज्यादा डाउन आएगी, इधर से बनाएंगे तो शेप ऐसे आएगी। टू टाइप से आप यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक बना सकते हो। अब आपको जितना भी यहाँ पे नेक का बॉर्डर रखना है, जितने भी अंदर से पट्टी रखनी है वो आप रखेंगे और इस नेक को कटिंग करके पेस्ट कर देंगे। देखो हमेशा जब आप इस तरह से कटिंग करते हैं ना तो पहले आप एक्स्ट्रा कटिंग कर लें, क्योंकि नेक हमेशा फिसल जाता है। ऐसे ना हम बड़ी सिलाई कर लेते हैं, इससे नेक हमारा फिसलेगा नहीं और अच्छे से कटिंग भी हो जाएगा। अब इस नेक को पेस्ट करना है जहां पे भी आपको नेक बनाना है। अब इसको देखो प्रेस से कैसे पेस्ट करेंगे, अंदर वाला जो बुकरम है उसमें तो आपके पास गाइडलाइन मिलती है, यहां पे कैसे पेस्ट करेंगे, फैल भी सकता है नेक, तो इस नेक को इस तरह से सेंटर पे रख लेंगे और चारों तरफ निशान लगा देंगे और इसको प्रेस से पेस्ट कर देंगे अच्छे से। अब देखो आपको गाइडलाइन मिल गई है, अब इसी गाइडलाइन के ऊपर से आपको नेक को पेस्ट करना है। अच्छे से नेक पेस्ट करेंगे उसके बाद नेक बनाएंगे। जितना ये था, खाने पे भी रोक लगाएगा क्या? चलो ऑन कर। अब देखिए अगर आप पेस्टिंग पर गला बनाते हो और अच्छे से पेस्टिंग पेस्ट नहीं हो रहा है तो नेक के किनारे वाली साइड में पहले इस तरह से एक स्टिचिंग लगा देंगे, इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ऐसे फोल्ड करना है। अगर यहाँ पर राउंड शेप ज्यादा है तो कट लगाने की जरूरत है, अदरवाइज नॉर्मली ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा। अगर बहुत लाइट शेप है, जैसे अभी हमें कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके बाद जिस पार्ट में आपको नेक बनाना है उसका सेंटर लेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ पे और सेंटर पे सेंटर मिला के आपको नेक को सेंटर से अटैच करना है पहले, जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसे ही कट से कट मिलाना है
और बिल्कुल सेंटर पे पहले स्टिचिंग लगानी है ताकि नेक हमारा इधर उधर ना फिसले। इसके बाद जो आपका पेस्टिंग है इसके एकदम किनारे पर आपको स्टिचिंग नहीं लगाना है, इससे क्या होगा अंदर वाला कपड़ा भी बाहर दिखने लगेगा, जो हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ एक सुई के नोक जितना गैप रखना है इस पेस्टिंग में और हमारी सिलाई में। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल गैप रखना है सिलाई का भी, और इस तरह से हल्का हल्का डिस्टेंस रखते हुए नेक के चारों तरफ स्टिचिंग लगाएंगे। जैसे ही आपका कॉर्नर वाला पॉइंट आता है वैसे ही आपको निडल को इसके बीच में रखना है और ऐसे रोक देना है। उसके बाद आपको नेक को इस तरह से घुमाना है और वापस से पेस्टिंग के एकदम किनारे पे सिलाई लगाना है। सुई की नोक जितना गैप रखे रखेंगे ताकि गले को पलटने में आसानी हो। फिर वापस से पॉइंट के बिल्कुल पास में आपको निडिल को एकदम अंदर रखना है, रोकना है, उसके बाद गले को ऐसे घुमाना है। इसके बाद आपको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। अभी पहले मार्जिन कम छोड़ा था, यहाँ पे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है। इसके बाद जितने भी कॉर्नर हैं, देखो 1 2 3 तीनों कॉर्नर पे छोटा छोटा कट लगाना है और ये कट एकदम डीप होना चाहिए। इसके बाद छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं बीच बीच में। इससे पहले वाले नेक में तो नहीं लगाए थे लेकिन अब लगाने हैं। जब आपका फैब्रिक होगा तो आपको लगाने हैं, लेकिन जब पेपर फ्यूजिंग होगा तब ये नोचेस नहीं लगाने हैं। इसके बाद इसको पलट देना है। अब हम दोनों नेक में एक साथ प्रेस करेंगे, तो अब हम प्रेस पे चलते हैं। अच्छे से नेक को कैसे प्रेस करते हैं वो सीखेंगे। अब यहाँ पे हम नेक को प्रेस करना सीखेंगे। पहले जो पहले वाला नेक बनाया था उस नेक को पहले प्रेस कर लेते हैं। अब देखो मैंने ना इस टाइप से एक पिल्लो बनाया हुआ है। ये पिल्लो तो आपको भी बनाना है क्योंकि स्टिचिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और हमें बहुत सारी हेल्प भी मिलती है इस पिल्लो की यूज से। तो देखो यहाँ पे हमने पिल्लो के ऊपर से इस नेक को ऐसे रखा है और जिस शेप में हमारा नेक है वही वाली शेप में हमने नेक को अच्छे से सेट कर लिया है। जैसे राउंड शेप है तो राउंड में ही ऐसे सेट कर लिया है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करेंगे तो नेक का फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगा। अब देखो नेक कितना फिनिशिंग से बन गया है। हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देखो, हर एक पॉइंट हमारा, हर नेक का जो किनारी है उसको अच्छे से देखिए। हमने जो टॉप सीम लगाई थी उसके बिल्कुल किनारे पे हमारा नेक एकदम अच्छे से बैठ गया है। अब नेक की जो विड्थ है वो भी हम चेक कर लेते हैं। हमने जितनी भी नेक की विड्थ बनाई है उस नेक विड्थ से कम पे ही हमारा नेक रेडी होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। देखो 7 इंच पे है लेकिन बनाया था हमने 7.5 पे लेकिन रेडी हुआ है 7 पे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा नेक नॉर्मली फैलता नहीं है, लेकिन जब हम नेक बनाते हैं ना तभी हमारा नेक फैल जाता है। अब हमने जो पेस्टिंग पर नेक बनाया है उसको प्रेस करते हैं। नेक को अच्छे से सेट करेंगे। स्ट्रेट, जहां पे भी स्ट्रेट होता है ना वहां पे स्ट्रेट करके प्रेस करना है, जहां पे राउंड होता है वहां पे राउंड करके प्रेस करना है। अब देखो जो आपकी ये वाली शेप है ना इसको अच्छे से ऐसे सेट करेंगे।
पिल्लो का नीड सिर्फ और सिर्फ हमें अभी तक के लिए प्रेस के लिए पड़ता है, बाकी इसके बाद हमें नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट पे रखना है काउंटर पे और इसको प्रेस कर देना है। अब देखो हमारा नेक पेस्टिंग वाला भी कितना अच्छे से बन गया है। तो इस तरह से पेपर फ्यूजिंग पे भी नेक बना सकते हैं और पेस्टिंग पे भी नेक बना सकते हैं। बस आपको कॉर्नर वाले पॉइंट पे अच्छे से ध्यान देना है कि आपका जो यहाँ पे फैब्रिक है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जब कॉर्नर आता है ना तो कॉर्नर पे हमारा कपड़ा यहाँ पे ऐसे बहुत सारा झोल आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखो हमारा दोनों साइड से नेक बिल्कुल अच्छे से बन गया है। अब हम वापस से मशीन पे चलते हैं और अपने नेक में पाइपिंग को अटैच करना सीखेंगे। अभी तो नेक नॉर्मल कैसे बनाना है वो सीखा है, अब इस तरह से ही आपको नेक बने हुए में भी पाइपिंग अटैच करना आना चाहिए। तो अब हम इस नेक को किस तरह से पाइपिंग अटैच करेंगे वो सीखेंगे। अब देखिए नॉर्मली हम पाइपिंग भी बहुत टाइप से लगा सकते हैं, हम सिंपल पाइपिंग लगा सकते हैं, हम गुम पाइपिंग लगा सकते हैं, हम ऊपर से नॉर्मल भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो पाइपिंग अटैच करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से किसी एक तरीके को हम यूज करेंगे इस नेक को बनाने में। तो यहाँ पे जो भी हमारा पाइपिंग अटैच होगा इसको एक बार ऐसे नाप लेंगे। अब देखो आपका जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है नॉर्मल पाइपिंग के लिए, तो आपको इसको पहले फोल्ड कर लेना है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। अभी हमें राउंड शेप में लगाना है, तो जितना भी पाइपिंग आपको बाहर शो करना है उसके अकॉर्डिंग आप पाइपिंग को बाहर निकालेंगे और इसके बाद बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग लगाते जाएंगे। आपको पाइपिंग को भी नहीं खींचना है और आपको नेक को भी नहीं खींचना है। जूम करो। अभी देखो मशीन हमारी क्यों खुल के बोलू, जितना बोलना था बोल दिया, इसी के साथ हैंग कर दो ना ऐसे करके, रुको अरे उधर तक लगे ले जाना इसको, इसके साथ बस इसके नीचे से निकाल दे डंडा है जो ये, हाँ बस अब ठीक है ये, अब ये हिलेगा नहीं, अभी भी हिल रहा है ये देखो, अभी भी हिल रहा है। हवा भी बंद कर दे क्या? चलो अब देखिए मैं स्टिचिंग कहाँ पे लगा रही हूँ, मेरा मेन टारगेट है इस पिंक कलर के कपड़े के बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग लगाना, और मुझे पाइपिंग को खींचना भी नहीं है, नॉर्मल मुझे यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करते जाना है और सिलाई भी बिल्कुल पिंक वाले पॉइंट के एकदम पॉइंट पे लगानी है, मतलब पिंक कलर का जो हमारा ये नेक है इसके एकदम किनारे पे। अब देखो सीधा तो हम आ गए हैं, प्रॉब्लम तो अब आएगी क्योंकि अब हमारा नेक यहाँ से राउंड शेप ले रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, जैसे शेप में नेक है वैसे ही शेप में पाइपिंग भी लगानी है, तो नीचे वाली पाइपिंग को मुझे हल्का हल्का खींचना पड़ेगा, खींचते जाना है और पाइपिंग को बाहर निकालते जाना है, एक एक पॉइंट चलते जाएंगे पाइपिंग को बाहर निकालते जाएंगे। अगर मैंने ज्यादा पाइपिंग बाहर निकाला तो पाइपिंग बहुत ज्यादा बाहर आ जाएगा, इसीलिए बहुत पॉइंट में पाइपिंग को निकालते भी जाना है बाहर और ऐसे स्टिचिंग लगाते जाना है, और जो नेक का शेप है उसको ध्यान में रखना है। जब तक नेक में गोलाई है तब तक तो ऐसे ही करेंगे, और जब ऐसे स्ट्रेट में आ जाता है शेप तो फिर स्ट्रेट में लगाते हैं।
अब नेक को अच्छे से प्रेस कर देंगे। नेक को प्रेस करेंगे। अब हमें स्वीट हार्ट नेक में बनाना है पाइपिंग को। तो देखो जो हमारी नेक की शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें पाइपिंग अटैच करते जाना है। यहां पे पाइपिंग में जॉइंट आ रहा है तो यहां पे पाइपिंग को मैं कट कर देती हूं, क्योंकि मुझे जॉइंट अपने नेक में नहीं चाहिए। तो यहां से यहां तक का पहले इसको नेक को हम अच्छे से चेक कर लेते हैं कितना पाइपिंग हमारा अटैच होने वाला है। करीब करीब इतना पाइपिंग हमारा लग जाएगा इसमें, उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करना है। अगर आप पाइपिंग को गुम नहीं लगा रहे हो तो ऐसे फोल्ड करना है आपको पाइपिंग को, लेकिन अगर आप गुम लगा रहे हो तब आपको ये फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, जो हम आगे वाली क्लास में सीखेंगे कि नेक को कैसे फोल्ड करना है, पाइपिंग को कैसे गुम पाइपिंग लगाना है। और इस तरह से नेक बनाना है, पाइपिंग बनाना है, तो आपको सबको फाइल में भी अटैच करते जाना है। फाइल वाला काम भी आपको साथ के साथ निपटाते हुए जाना है। पेंडिंग हो जाएगा तो फिर बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाएगा, इसलिए सारा काम ना साथ के साथ फिनिश करते रहो। नेक्स्ट मंथ से हम प्रॉपर स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। जब भी आप इस टाइप की शेप में नेक बनाते हो तो यहां से यहां तक आपको पाइपिंग को ऐसे नाप लेना है और एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देना है, क्योंकि कॉर्नर पे हमेशा पाइपिंग को कट करके लगाना है, तभी आपका पॉइंट अच्छे से बनेगा। आप देखो नेक को इस तरह से रखना है और पाइपिंग इसके नीचे रखनी है और बिल्कुल सीधे में स्ट्रेट में सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको घुमाना नहीं है, सिर्फ सीधा है और पीछे आपको हैंड रखने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में लगाते जाएंगे। अब आपको दूसरा पीस लेना है और दूसरा पीस इस तरह से क्रॉस में रखना है, बिल्कुल कॉर्नर एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए। और अब हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। ऐसे मूव करना है, निडिल अंदर ही होना चाहिए। अब हल्का सा कर्व है, कर्व में आपको पाइपिंग को नीचे वाला पाइपिंग को हल्का सा खींचना है, बहुत लाइट खींचना है ताकि रिंकल्स ना आए और पाइपिंग एकदम टाइटली अटैच हो, पाइपिंग लूज नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही नीचे वाली साइड से क्रॉस में ही रखना है पाइपिंग को। पाइपिंग को हल्का सा खींचना है, लूज नहीं रखना। पाइपिंग टाइट होगी तो अच्छी दिखेगी और लूज होगी तो बहुत मोटी दिखेगी। अब इस तरह से फिर से क्रॉस करके रखना है पाइपिंग को। पॉइंट अच्छे से बनना चाहिए, मेन टारगेट है पॉइंट बनना, यानी कि तीनों कॉर्नर अच्छे से बनाना। अब जो पीछे वाली साइड से छोटा और बड़ा हो रहा है उसको कट कर देंगे ऐसे। अब इन दोनों नेक को पाइपिंग बनाने के बाद प्रेस कर लेंगे। अब हम नेक में गुम पाइपिंग लगाना सीखेंगे। गुम पाइपिंग के लिए आपको नेक को और पाइपिंग को दोनों को एक साथ बनाना होता है, क्योंकि गले में और जो आपका मेन फैब्रिक है उन दोनों के बीच में आपको पाइपिंग को सेट करना है। तो अब देखिए आपको गुम पाइपिंग कैसे लगाना है। नेक पहले मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। दोनों नेक पे पाइपिंग भी लग गई है और दोनों नेक पे हमारा प्रेस भी हो गया है। ये हमारा राउंड नेक है। अब देखो पाइपिंग हमारी बिल्कुल इक्वल लगी है,
चारों साइड में, मोटी और पतली नहीं है। ऐसे ही आपको भी नेक में पाइपिंग लगाना है, और हमारे स्वीट हार्ट नेक में भी लग गई है, प्रेस भी कर लिया है हमने। यहाँ पे भी आप पूरे पॉइंट्स को देख सकते हो, सभी पॉइंट्स और हर साइड से पाइपिंग हमारा बिल्कुल इक्वल है। तो इस तरह से आपको स्वीट हार्ट नेक में पाइपिंग लगाना है, और बिल्कुल इसी तरह से राउंड में भी लगाना है।